हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग टाइम सेविंग किचन टिप्स। हम किचन में बहुत काम करते हैं और अगर हम इन किचन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो हमारी किचन में जितना भी वेस्टेज और स्पॉइलेज होता है वो सब कुछ नहीं होगा। इट इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम को गवाए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। हम घर में शक्कर के डब्बे में होने वाली चींटियों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चाहे कुछ भी कर लो, चींटी हर बार वापस आ जाती है। इन चींटी से बचने के लिए मैं लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग उपाय जो कि बहुत ही इजी है। शक्कर के डब्बे में आप 3 से 4 लौंग क्लोव्स को डाल दीजिए और आप देखेंगे जो चींटियां हैं वो तुरंत ही गायब हो जाएंगी और आपकी जो शक्कर है वो हमेशा सही रहेगी। है ना, बहुत ही आसान और कमाल की टिप। तो हमेशा अपने शक्कर के डब्बे में 4 से 5 लौंग डाल के रखिए। टिप नंबर 2 के अंदर हम सीखेंगे, अगर आपके चावल के डब्बे के अंदर बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट्स हो जाते हैं, वो छोटे वाले कीड़े हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप चावल के डब्बे के अंदर इस तरीके से एक बेलीफ डाल के रख दीजिए और जो आपका चावल है वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक सही रहेगा और उसके अंदर कीड़े नहीं होंगे। यही टिप आप दाल के संग भी यूज कर सकते हैं। अपने दाल के डब्बों के अंदर भी आप एक एक बेलीफ डाल के रख सकते हैं। चलिए बारी आती है हमारी टिप नंबर 3 की। टिप नंबर की 3 बहुत ही अमेजिंग है। इसको हम बाजार जाते हैं, हम कई बार पनीर या टोफू बड़ी मात्रा में खरीद के लाते हैं जो कि इस तरीके के प्लास्टिक के रैपर्स में पाया जाता है। खाने को इस तरीके के प्लास्टिक के रैपर्स में स्टोर करके मत रखिए। इसको स्टोर करने का सही तरीका मैं आपके संग शेयर करूंगी। सबसे पहले हम टोफू या पनीर को इस तरीके के पैकेट में से निकाल लेंगे। जब आप इसको इस पैकेट में से निकालेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड रहता है, थोड़ा सा पानी रहता है। तो हम सबसे पहले अपने इस पनीर को एक अच्छे साफ वाटर के अंदर अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये खाना जो था ये प्लास्टिक में रखा हुआ था विच इज नॉट रियली वेरी हेल्दी। तो हम सबसे पहले इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेंगे और जब हम इसको वॉश कर लेंगे तब हम इसको एक कांच के कंटेनर के अंदर इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए, जब हम इसको यहाँ पे कांच के कंटेनर में रख देंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर पोर करेंगे थोड़ा सा वाटर। जब आप इसके अंदर वाटर पोरी है वो ये होनी चाहिए कि जो आपका पनीर है वो उसके अंदर सबमर्ज हो जाए, डूब जाए। पनीर अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और सूख के खराब हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से पनीर को फ्रिज में रखेंगे तो आपका पनीर लंबे टाइम तक चलेगा। चलिए बारी आती है टिप नंबर 4 की। हम बाजार से कई बार फ्रूट्स लाते हैं जो कि एकदम पके हुए नहीं होते, बहुत कड़क होते हैं या थोड़े से ग्रीन राइप अनराइप होते हैं। अपने फ्रूट्स को अच्छे से पकाने के लिए आप फ्रूट्स को इस तरीके से न्यूज़पेपर में रैप करके रख दीजिए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा कड़क है तो वो 1 से 2 दिन में हो जाएगा, नहीं तो फ्रूट्स एक ही दिन में पक्के अच्छे से रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल केमिकल फ्री और जो आपके फ्रूट्स हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे एंड इट इज़ जस्ट गोइंग टू टेस्ट अमेजिंग। ये देखिए, एक दिन के बाद ही मेरा जो कस्टर्ड एप्पल है वो बहुत ही अच्छा पक चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। जब मैंने इसको रखा था तो ये एकदम टाइट था। आप ये वाली टिप बनाना के संग, पपाया के संग, ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स के संग रख सकते हैं जिसको आप बाजार से लाए हों लेकिन वो राइप नहीं हुए हों। टिप नंबर 5, अगर आपके यहाँ भी मेरी तरह बहुत सारी ग्रीन चिली आती है और आप परेशान हैं कि वो जो ग्रीन चिली है वो लंबे टाइम तक चलती ही नहीं है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, उससे पानी छूटने लगता है, उसके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप है जो कि करने में 1 मिनट ही लगता है। उसके लिए आप क्या करिए, आप जो मिर्ची होती है उसके ऊपर की जो स्टिक होती है उसको निकाल के अलग कर दीजिए। जी हाँ, बस इतना ही करना है। अगर आप मिर्ची के स्टिक्स को काट के अलग कर देंगे तो आपकी जो मिर्ची है ग्रीन चिली उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ग्रीन चिली लंबे समय तक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और क्रंची रहती है और स्पॉइल नहीं होती है। आप आराम से इसके स्टिक को तोड़ दीजिए और इसको ऐसे वेजिटेबल नेट बैग्स के अंदर स्टोर करके रखिए। ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी और बिल्कुल खराब नहीं होगी। है ना कमाल की टिप। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारी मिर्ची के स्टिक्स को अलग कर लिया है और मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर लूंगी।
नेक्स्ट बार ये आती है टिप नंबर 7 की। टिप नंबर 7 बहुत ही इजी टिप है। इसके अंदर जब भी आप दाल बनाते हैं और आपको एक आध आलू की जरूरत पड़ती है तो कभी भी आलू को अलग से मत उबालिए, सिंपल दाल में डाल दीजिए। आलू जो है दाल पकेगी, उसके साथ साथ आलू भी पक्के रेडी हो जाएंगे, तो आपकी गैस भी बच जाएगी। इसी तरह टिप नंबर 8 में भी मैं आपको दाल की एक टिप देती हूँ कि अगर आप दाल बना रहे हों और आप बहुत ही ज्यादा परेशान है कि दाल जो है वो ओवन के कुकर के ढक्कन से निकल जाती है, तो आप दाल बनाते समय उसके ऊपर से 1-2 ड्रॉप ऑयल का डाल दीजिए और फिर लिड लगाइए। दाल जो है बहुत ही अच्छी बनेगी और कुकर के ढक्कन में से बिल्कुल नहीं निकलेगी, जो आपकी गैस से बिल्कुल गंदी नहीं होगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होंगी और ऐसी बहुत सारी टिप्स और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।